दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना के बारे में बताने जा रही हूं जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों ये घटना राजस्थान के अलवर जिले से निकलकर सामने आई थी। यहां की रहने वाली 32 वर्षीय महिला बसंती का अपने ही 28 वर्षीय देवर सुकई के साथ लंबे समय से अफेयर चल रहा था। इस बीच दोनों आए दिन मौका देखकर एक दूसरे के साथ रंगरेलियां मनाने में लगे हुए थे, क्योंकि सुकई अभी कुंवारा था, उसकी शादी नहीं हुई थी। इसलिए जब भी उसके भैया रामलाल किसी काम से घर से बाहर जाते तो वैसे ही मौका देकर उसकी भाभी बसंती उसके रूम में चली आती थी और सारी दिन उसके साथ अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करती थी। देवर और भाभी के अवैध संबंधों का ये सिलसिला लगातार इसी तरह करीब 10 सालों से चलता चला आ रहा था, लेकिन पति रामलाल को कानो कान भनक तक नहीं लगी। लेकिन कहते हैं दोस्तों, बुराई पर कितना भी पर्दा डाल लो, सच्चाई तो एक ना एक दिन जरूर निकलकर सामने आती है। ठीक ऐसे ही हुआ। इस बीच एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी बसंती को छोटे भाई सुकई के साथ 61-62 करते हुए आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया और दोनों को खूब खरी खोटी सुनाया, जिसके बाद रामलाल अपनी पत्नी बसंती पर पैनी नजर रखने लगा। अब जैसे ही इधर रामलाल अपनी पत्नी बसंती पर पैनी नजर रखना शुरू किया तो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हो गए, क्योंकि पति रामलाल के पैनी नजर रखने के दौरान दोनों की मुलाकातें नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते बसंती बहुत परेशान हो गई और जवान देवर से मिलने के लिए प्लान बनाने लगी। क्योंकि दोस्तों जब एक बार अवैध संबंध का लग किसी को लग जाता है तो यह रुकने का नाम नहीं लेता है। ठीक वैसे ही अब बसंती अपने देवर से मिलने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हो गई। एक रात की बात है, जब बसंती अपने पति रामलाल के साथ बेडरूम में लेटी हुई थी तभी अचानक उसका पति गहरी नींद में सो गया। पति के सोते ही पत्नी बसंती मौका पा गई और चुपके से अपने बिस्तर से उठी और दबे पांव देवर सुकई के रूम में पहुंच गई। फिर क्या था, दोनों सुनहरा मौका देखकर एक दूसरे से नागिन की तरह लिपटकर प्यार करने लगे, यानी अवैध संबंध बनाने लगे। इस बीच बसंती के पति रामलाल की आंखें खुल गई तो देखा पत्नी बसंती बिस्तर से गायब है। पत्नी बसंती को बिस्तर से गायब देख रामलाल समझ गया कि ये कहाँ पर गई होगी, जिसके बाद रामलाल देर ना करते हुए तुरंत अपने छोटे भाई सुकई के रूम के पास पहुंच गया तो देखा पत्नी बसंती छोटे भाई के साथ आपत्तिजनक हालत में है। पत्नी को छोटे भाई के साथ इस अवस्था में देखकर रामलाल गुस्से से आंख बबूला हो गया और खिड़की से दोनों को डांटने लगा। कुछ देर डांटने के बाद जब दोनों दरवाजा नहीं खुले तो रामलाल वहां से वापस अपने रूम में चला आया और बिस्तर पर लेटकर सो गया। इधर भाभी और देवर दोनों रामलाल के डांटने से डर गए और उसे हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बना डाली, जिसके बाद प्लान के तहत उस रात बसंती अपने देवर सुकई के साथ मिलकर गमछे से अपने पति रामलाल की गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। सुबह होते ही रामलाल के मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद गाँव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना का विस्तार से जांच करते हुए आरोपी भाभी और देवर दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो देखा दोस्तों, आपने बुरा काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए आप अपराधी मानसिकता को समझें और सतर्क रहें।